जिस सिस्टर का नाम गुरमीत कौर है और जो मखनविंडी गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे कि जब बता रही कि 1.5 महीने से इनके जो ड्रेस इनके बच्चेदानी में बाहर पड़ता था, जिसके कारण जी बहुत परेशान थे, और जिस सिस्टर प्रभु के ऊपर बिलीव करते थे, और जिस सिस्टर बता रही कि उन्होंने मेडिसिन तो नहीं ली और इनको विश्वास था कि परमेश्वर आप इस प्रॉब्लम को अच्छा कर चुके हो, और जैसे जिस सिस्टर थर्सडे और संडे की मीटिंग अटेंड करते हैं, और जिस सिस्टर 16 सितंबर थर्सडे की मीटिंग में आए, और जिस सिस्टर बता रही कि जैसे प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और इनके लिए प्रोफेसी आई कि कोई सिस्टर है जिसके बच्चेदानी में ऐसे बाहर पड़ता है, तो जैसे जिस सिस्टर ने रिसीव किया, सबसे पहले हम उस क्लिप को देखते हैं। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं जिसकी चुटरस बच्चेदानी पे बाहर जैसे बाहर पड़ता है और वो बाहर को नीचे को आ रही है, उसकी चुटरस में बाहर है। मैं सिस्टर को देख रहा हूं, उसके जूट्रस जो बच्चेदानी उस पर भार जो पड़ता और वो बाहर को आती। आप जो कोई भी हो, क्रैन करो, आप एक सिस्टर हो, आपके यूट्रस में भार पड़ता है और आपकी यूट्रस बाहर आती है। आप जो कोई भी हो, मैं कहता हूं आप जो कोई भी हो, अगर यहां पे अपने हाथों को खड़ा करो, रिसीव करो। चल शैतान, चल, छोड़ उसके पेट को, चल। मैं खुदा के डन्ना मस सामर्थ को शैतान तेरे ऊपर लीज करता हूं, जिस बात के लिए तूने इसे चकड़ा है, मैं खुदा का दास होने के नाते शैतान तुझे इसकी बॉडी से मैं बाहर करता हूं। चल छोड़ इसके पेट को, शट, शट, निकल पूरी तरह से इसकी बॉडी से। आज चल, आज तेरा लास्ट दिन है, तेरा लास्ट दिन है शैतान, विश्वास कर मेरी बहन, अभी परमेश्वर की सामर्थ्य तुझे छुएगी और ये आपको हील होंगे। रिशा खाला रस लंबोरो ले बे 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 रिशा खारा लबा बा बा बा। चल पूरी तरह से शैतान, चल निकल इसकी बॉडी से, उखड़, छोड़ उसे, छोड़ यीशु मसीह के नाम से, शोर। चल आज तेरा लास्ट दिन है, चल हर जादू टूने की आत्मा मैं तुझे कैंसिल करता हूं, चल छोड़ इसको, निकल इसकी बॉडी से, आज निकल शैतान इसकी बॉडी से, निकल, आउट 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 आउट। पूरी तरह से मैं तुझे इसकी बॉडी से शैतान आज उखाड़ता हूं बार। चल अंधकार की दुष्ट आत्मा, चल छोड़ इसके पेट को, शट, राइट नाउ मैं आज्ञा करता हूं यीशु के नाम से, राइट नाउ चल पूरी तरह से आउट, फ्री, इन द नेम ऑफ जीसस बी हियर, फ्री फ्री। उठाओ उठाओ अपने हाथों, उठाओ। तो जैसे ही जिस सिस्टर बता रहे कि उन्होंने रिसीव तो किया, पर जो विश्वास खुदा को देना चाहिए था वो विश्वास जिस सिस्टर का बन नहीं रहा था, तो जैसे ही जिस सिस्टर का विश्वास बनने का कारण ये था कि एक हफ्ते से इनके पेट में इन्फेक्शन बन चुकी थी, जिसके कारण इनके पेट में दर्द भी हो रहा था, और जैसे ही जिस सिस्टर ने अपनी मीटिंग प्रभु के दास के साथ की और जिस सिस्टर ने अपनी प्रॉब्लम को बताया कि इसलिए मेरा विश्वास नहीं बन रहा, तो जैसे प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया कि जो वचन जो वर्ड प्रभु के ओर से आपके लिए आया, धन्यवाद करो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर चुके, तो जैसे जिस सिस्टर ने विश्वास किया और उसके बाद जिस सिस्टर 26 सितंबर संडे की मीटिंग को जिस सिस्टर ने अटेंड किया और प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे कि जिनके पेट में कोई भी प्रॉब्लम है आज वो फ्री होने वाले, तो जैसे जिस सिस्टर ने इस हीलिंग प्रेयर को भी रिसीव किया, पहले हम उस क्लिप को देखते हैं। अपने पेट पर हाथ रखो, आपके पेट की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके यूट्रस में जो प्रॉब्लम है, जो बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, आपके रसौली है, पथरी है, जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, पेट पर हाथ रखो, रस सखा रेखी सखा लाबा
मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। हर तरह की जो बीमारी आपके पेट में, चाहे पथरी है, चाहे रसौली है, लीवर की इंफेक्शन है, पेट के तमाम जो भी आपके रोग है, मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। मैं कहता हूं मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से, मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से, मैं कैंसिल करता हूं। अब फ्री हो जाओ, मैंने कहा फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। मैंने रिसीव किया और जब बता रहे कि जो जोड़ उसकी प्रॉब्लम थी और जो पेट की इन्फेक्शन थी, रिसीव करने से जो दोनों प्रॉब्लम से आज 15 दिन हो चुके के टोटली फ्री हो चुके। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया इस गवाही के लिए। सुनो 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 सुनो, देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी जो हमने आज इस गवाही में पहला क्लिप देखा ना, इसमें खुदा के आत्मा ने मेरे बीच में से होकर इनके लिए बोला। आपने कभी ये प्रॉब्लम मुझसे शेयर की थी? नहीं। हाँ नहीं। देखो, क्योंकि परमेश्वर आपके मन की बातें जानता है। बोलो क्या है? परमेश्वर आपके मन की, और वो खुदा का आत्मा कैसे बोल रहा है, एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं उसके जूट्रस में भार ऐसे पड़ता है। क्या बढ़ता है? अब ये प्रॉब्लम को कितने समय से थी? डेढ़ महीने से ये प्रॉब्लम थी। हाँ, और इसके लिए आपने मेडिसिन भी खाई के विश्वास में बने रहे? खाई, एक दिन खाद्दी पापा जी, पर बाद में नहीं खाद्दी मैं। कुछ लोगों का विश्वास है एक दिन खाई, तकलीफ ज्यादा हो गई थी, नहीं खाद्दी बाद में, पिता ही वधिया कर चुकी है। हाँ, कुछ लोगों का देखा विश्वास भी अच्छा होता है ना, कि परमेश्वर करेगा, एक दिन खाई। हाँ, और साथ में आपके पेट में ये इन्फेक्शन कब से थी? जिस दिन पापा जी मिली चंगी आई मिली, पिता ने मेरे, नहीं ये कब से, ये प्रॉब्लम आपको कब से थी? वो एक दिन पहले इन्फेक्शन हुई सी, जिस दिन ये, हाँ, जिस दिन आपने ये आपके लिए प्रोफेसी हुई, एक दिन पहले इन्फेक्शन हुई थी, उससे एक दिन पहले इन्फेक्शन भी हो गई थी, पेट से दर्द थे, उल्टियां बहुत हो गई थी, और उसी की वजह के कारण आपका विश्वास बन नहीं रहा था कि जो चीज परमेश्वर ने आपके लिए बोली है, है ना, उस दिन तो विश्वास बन नहीं रहा था इन्फेक्शन के दर्द के कारण। और अब फिर आपने एक मीटिंग की, हाँ, और मीटिंग इन्होंने मीटिंग की जो मंडे में, मंडे सोमवार के दिन हम करते हैं ना, तो ये उस मीटिंग में आई, तो मैंने कुछ चीजें इनको बताई। हाँ जी। उसके बाद आप फिर आए संडे की मीटिंग के वीरवार, संडे ना जी, संडे की मीटिंग में ये फिर आए जी। और इन्होंने जब परमेश्वर मेरे मुंह से बोल रहे थे पेट की तमाम बीमारियों से, है ना, और साथ में यूट्रस भी जो भी प्रॉब्लम है, हाँ जी, आपने रिसीव किया, हाँ, और उस दिन से, और जिस दिन से आपने 26 सितंबर, हाँ जी, तो आपने रिसीव किया, और आज वो यूट्रस की जो भार पड़ता था उससे, और इन्फेक्शन से, और उस दर्द से भी आप टोटली क्या हो, फ्री है। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। सुनो,